सो लेट्स वेट, एक बार सब लोग कनेक्ट हो जाएं। मैं इसको सेटल कर लूँ यार, थोड़ा सा सेटल सा नहीं कर पा रही हूँ इसको, फोन को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? और मुझे लगता है अच्छे होंगे सब लोग। और कैसा चल रहा है फेस्टिवल सीजन, क्योंकि स्टार्ट हो गया है अब तो यार। और बहुत से लोग ऐसे होंगे ना जो हॉस्टल में रहते होंगे या बाहर जॉब करते होंगे, और वो लोग जो है मतलब फेस्टिवल में होता है कि हम लोग अपने घर जाएं, ठीक है? तो उन सब से मतलब बहुत एक्साइटमेंट होती है ना। जब मैं हॉस्टल में होती थी, मुझे भी ऐसे ही होता था यार कि कब मतलब छुट्टियां हो और मैं कब जाऊं, मतलब बड़ी अंदर से एक्साइटमेंट होती थी। तो यार आज का जो लाइव सेशन है, मैंने जैसे उसमें ही डाला था कि हम नेचुरल वे से अपने फेस पे ग्लोई स्किन कैसे ला सकते हैं, कि बहुत से लोगों का ना ये क्वेश्चन है कि मैम ऐसे क्या चीज़ करें। और रेमेडीज तो बहुत सारी होती है, बट कौन सी रेमेडी इफ़ेक्टिव है, ठीक है, वो नहीं पता होता किसी को, या किसकी बॉडी पे किस तरह की रेमेडी वर्क करेगी। एंड थैंक यू यार जो लोग भी नीचे कमेंट्स कर रहे हैं सब चीज़ें। और जिन लोगों को भी मतलब लगेगा कि किसी हेल्थ रिलेटेड उनको कुछ भी पूछना है, तो मैं नंबर पिन कर रही हूँ, आप इस पर व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है? और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कुछ भी आपको पे नहीं करना होता है इसमें। पिन कर दिया है मैंने नंबर। और अब चलो चलते हैं यार अपने चेहरे की तरफ। देखो हर किसी का फेस ना मतलब हर किसी की प्रकृति जो हम आयुर्वेद में बोलते हैं वो बहुत अलग होती है, ठीक है? किसी की वातज, किसी की पित्तज, किसी की कफज, और बहुत अलग अलग। तो बहुत से लोग आपने देखे होंगे जिनके फेस पर पिंपल होते हैं, एक्ने होते हैं, लेकिन किसी का रेडनेस होती है, किसी को इचिंग होती है, किसी के बीच में से पानी निकलता है, किसी को जलन है, किसी का ऐसा होता है कि जहाँ हटता है वहाँ निशान पड़ जाता है और वो निशान जाता ही नहीं है। तो मतलब अलग अलग तरह से प्रकृति है। अब किस तरह के लोगों पर किस तरह की चीज़ें वर्क करती हैं, देखो जो लोग भी जिनकी स्किन टैन है उनको लगता है कि अभी यार ग्लो नहीं है, स्पोर्ट से आ रहे हैं, वो क्या करें, रात को सिर्फ 2 बादाम लेने हैं आपने, पानी में भिगोना है, सुबह उठ के उनका छिलका उतारना है, उसमें आपको 2 चम्मच कच्चा दूध डालना है भैंस का, उसका पेस्ट बना के अपने फेस पे धीरे 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 करके पूरा अप्लाई कर लो, 15-20 मिनट उसे लगा रहने दो, जब वो सूख जाए धीरे धीरे स्क्रब करना। सेकेंडली सफेद चंदन, आप चंदन को यूज कर सकते हो, लेकिन उसको कैसे करना है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, फेस पे बहुत ज्यादा ऑयल आता है, उनको चंदन में हमेशा गुलाब जल मिलाना है, उसका पेस्ट बना के आप अपने फेस पे लगाओ, वो आपकी स्किन को एक अच्छा टोन अप करेगा, मतलब टाइटनिंग करता है स्किन की। और जिनका बहुत ड्राई रहता है वो चंदन की लकड़ी में मिल्क को मिला के कच्चे दूध को और उसका पेस्ट लगाएं, तो इस तरह से वर्क करता है। और सबसे जो बेस्ट है वो है वाटर इनटेक, यानी कि आपका जो पानी पीना, अपने पास एक बॉटल रखने की हैबिट रखो, दिन में कम से कम 4 लीटर, 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप पानी नहीं पियोगे ना यार, आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई हो ही नहीं पाएगी। अब मैं नीचे कुछ कमेंट्स पढ़ती जा रही हूँ जो एडिक्शन पे आ रहे हैं, वो शराब की है, सिगरेट की है, ड्रग्स की है। तो यार उसके लिए जो है ना मेडिसिन रहती है, जो भी करते हैं उनको आपको जो है बताना नहीं है। जैसे हम घर में नमक वाला परांठा बनाते हैं ना, उसमें हल्का सा नमक स्प्रेड कर देते हैं, वैसे ही आपको इतनी सी दवाई लेके एक बार उनकी रोटी में मिलानी है, रोटी बनाई उनको दे दिया। रोटी में हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि वो एक ऐसी चीज़ है, किसी को भूख है या नहीं, एक रोटी तो हमेशा पेशेंट खाता ही है, खत्म करता ही है। तो सिगरेट का भी ऐसे ही रहता है, अगर कोई बहुत पुराना, मानो 10-20 साल से कर रहा है, किसी पेशेंट को होता है कि लेट इफेक्ट हो, मानो 1-2 महीने में, अदरवाइज 15 दिन में इफेक्ट दिखने लग जाता है और पेशेंट 3-4 महीने में नशा छोड़ देता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे करके उसकी मेडिसिन जो है वो विड्रॉ करवाना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि अभी किया और अभी वो कर दिया, अल्टरनेट डे, देन ट्वाइस इन अ वीक, वंस इन अ वीक, और धीरे धीरे पेशेंट छोड़ देता है। तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, बिल्कुल नेचुरल मेडिसिन है। अब
क्योंकि चेहरे को लेके तो सब लोग कंसर्न होते हैं, मेरे पास बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, डीएम्स आते हैं पिंपल एक्ने स्कार को लेके। यार पिंपल्स को ना, मतलब मैं जो मेडिसिन अपनी बताती हूँ स्किन क्लियर, उसमें सिरप रहता है, पाउडर रहता है, टैबलेट रहती है, अंदर से बॉडी को क्लीन करके लिवर को एक्टिव करता है वो, ताकि पिंपल्स एक्ने दोबारा हो ही ना। तो उसमें मेडिसिन रहती है प्रॉपर, वो आप इस नंबर पे अपनी पिक शेयर कर सकते हो, साथ में फेस पे कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपकी मेडिसिन कस्टमाइज होती है। अच्छा किसी का था अभी खराटे आते हैं, खराटे होते हैं जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है या ड्राइनेस होता है, तो आप सोने से पहले नाक में जो है बादाम रोगन का दो दो बूंद डाल के अच्छे से ऐसे से मालिश करके सो, खराटे बहुत कम हो जाएंगे। डार्क सर्कल एंड पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट, या डार्क सर्कल और पिगमेंटेशन बेसिकली एनीमिक होता है, पेशेंट का ब्लड कम है, डेड सेल जो है कोलेट्रल फॉर्म कर रहे हैं वहां पे, तो उसका भी ट्रीटमेंट रहता है। बट सेम चीज आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है अपनी पिक, हमें पता होना चाहिए ना कि डार्क सर्कल कितने ज्यादा हैं या किस तरह से आपके फेस पे पिगमेंटेशन है, किसी के नाक पे होती है, किसी के फेस पे गालों पे बहुत ज्यादा होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली। वेट गेन और वेट लूज जो है बहुत स्लो प्रोसेस है, बट ऐसा है मेडिसिन से कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और जो वेट आप लूज करोगे वो रीगेन नहीं होगा, वो कम रहेगा। जो वेट गेन करोगे दवाई छोड़ने के बाद वो वेट कम नहीं होगा, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट है। और यार आज का स्पेशल ऑफर है, जो लोग भी चाहे वो ड्रग्स है कुछ भी है, 1 month की मेडिसिन जो आप ऑर्डर करोगे उसमें आपको 7 days की मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी साथ में हमारी तरफ से। क्योंकि जब फेस्टिवल होते हैं ना तो हम लोग भी कुछ कुछ स्पॉन्सर्ड करते हैं, जितना हम अपने एंड पे किसी की हेल्प कर सकते हैं। और साथ में जो हमारा फेस मास्क है जो फेस को एक नेचुरल टोन अप करता है, उसकी कॉस्ट 1149 है, बट आज वो आप किसी भी मेडिसिन के साथ एडिशनल ऑर्डर करोगे तो सिर्फ आपको 599 उसकी कॉस्ट रहेगी, जो स्किन की टैन हटाएगा, ग्लो देगा फेस पे, पिंपल एक्ने स्कार किसी के निशाने सब चीज पे वर्क करेगा। तो ये पिंपल के लिए ना कोई नेचुरल प्रोसेस बताएं। यार पिंपल्स ऐसी चीज है कि बॉडी जब तक क्लीन नहीं होगी ना कोई होम रेमेडी उस पर वर्क नहीं करती है, ऐसे ही ओपन पोर है, एज के साथ जिनको ओपन पोर होना शुरू हो जाते हैं ना बहुत ज्यादा स्किन ऐसा लगता है कि वो हो रही है, पहले तो आप आइस लगाओ उसको एक बार दिन में, वो श्रिंक करते हैं पोर्स को, ठीक है। देन उसके बाद आप मेडिसिन यूज करो, ऑयल रहता है तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा, ठीक है। मिरेकल ऑयल, यार मिरेकल ऑयल जो हमारा है बेसिकली वो रीजनरेटिव उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो कि आपकी स्किन को रीजनरेट करती है, जो डेड हो गई है उसको नेचुरल वे से रिकवर करेंगी, ग्लो करेंगी, पिगमेंटेशन पे वर्क करता है, टैन रिमूव करता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं, मतलब उसमें बहुत सारा है। और यार COD अवेलेबल नहीं रहती है हमारी, जितने भी हैं सारी प्री पेमेंट ही रहती हैं। और यार बिल्कुल आप विजिट कर सकते हो, ये नेचुरली वेट गेन होना होता है ना अगर साक्षी, तो वो फिर खाना खाने से ही हो जाता है। जिनका वेट नहीं होता मतलब उनका मेटाबॉलिज्म पुअर है, यानी धातुओं की पुष्टि नहीं हो रही है जो आयुर्वेद मानता है। तो जो मेडिसिन देते हैं वो जठराग्नि पे वर्क करती है, जठराग्नि को बूस्ट करती है, तो जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये सातों धातुओं का वो पोषण करती है और आप वेट पुट ऑन करते हो, ठीक है। और यार आप लोग कोशिश करिए, जितने लोग दिल्ली गए ना आप क्लिनिक ही विजिट करिए, उत्तम नगर में क्लिनिक है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए, नंबर और एड्रेस आपको मैसेज आ जाएगा। अब जो लोग भी जिनको लगता है ना यार बहुत ज्यादा स्किन में टैन हो गया है, वो नहीं हट रही है टैनिंग, आप लोग सिंपल वे हैं, आप क्या करो, आपने लगभग 50 ग्राम के करीब इमली लेनी है, उसको पानी में भिगो दो, अच्छा से हाथ से मसल दो उसको, मतलब उसकी चटनी टाइप अलग हो जाएगा, बीज बीज निकाल दो, देन उसको आप पूरी बॉडी पे अप्लाई करो नहाने से पहले, और 15-20 मिनट लगा के रखो, सिर्फ 2 बार आपको वीक में करना है, वो स्किन को बहुत अच्छा जो है ग्लो देगा, बहुत अच्छा स्किन को करेगा। तो ये रेमेडी भी आप कर सकते हो। यार मिरेकल ऑयल क्या करता है, आपकी स्किन के ऊपर जितने भी डेड सेल है उसको रिमूव करता है, तो कॉम्प्लेक्शन को, डार्क जो कॉम्प्लेक्शन है उसको मतलब ग्लो देता है, उसमें उसको क्लियर करता है। यार जो आप निशा बता रहे हो ना वो साइनस हो सकता है, साइनस की वजह से वो कंजेशन रहता है, तो वो नोस्ट्रिल में ऐसा होता है कि नाक हमेशा बंद रहता है। यार बिल्कुल मिल सकते हो क्लिनिक पे, OPD यहाँ पे रहती है, आपको एक दिन पहले बस अपॉइंटमेंट फिक्स करना होता है इस नंबर पे। अच्छा जिन लोगों को हेयर फॉल रहता है उनका मैंने कितनी बार बताया है, मैम मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था इंस्टा पे,
सीओडी क्योंकि पहले फ्रॉड यार हमारे यहाँ पे सीओडी अवेलेबल नहीं है अंशिका, हमारा ऑनलाइन पेमेंट ही रहता है और प्री पेमेंट रहता है और सारे पेशेंट्स के आपने रिव्यू देखे होंगे तो यहाँ पे आप फ्रॉड का कोई चांस नहीं है, ठीक है। और यार बहुत से लोग रहते हैं फीमेल्स में ना ब्रेस्ट की डेवलपमेंट नहीं होती है, अंडर डेवलप ब्रेस्ट रहती है, मतलब एज के साथ ब्रेस्ट में डेवलपमेंट नहीं है, तो उनके लिए हमारी मेडिसिन और ऑयल रहता है, 3 to 6 months का टाइम लगता है, बहुत अच्छी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो जाती है, तो आप लोग उस चीज़ पे भी मतलब ट्रीटमेंट ले सकते हो। यार पिगमेंटेशन के लिए मेडिसिन ही रहेगी क्योंकि जब तक आपका लीवर पे वर्क नहीं होगा पिगमेंटेशन नहीं जाएगी। और एक मैंने सुना है मतलब विटामिन ई लोगों ने फेस पे लगाना बहुत शुरू कर दिया है गूगल कर करके, लेकिन यार जिन भी लोगों को ना हर किसी को सूट नहीं करता विटामिन ई, तो आप जो भी चीज़ करें पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लें, उसके बाद अपने फेस के साथ खिलवाड़ करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं मैम हमने पीलिंग कराई ख़राब हो गया है पूरा, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखो यार, क्योंकि होम रेमेडीज़ ना हर किसी पे वर्क नहीं करती, सबकी प्रकृति के अकॉर्डिंग वो वर्क करती हैं। तो इसलिए आपको हेयर फॉल है, माइग्रेन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आई साइट वीक है, स्टैमरिंग है जो हकलाके बोलते हैं स्टैमरिंग की इशू है, पीसीओडी है पीरियड्स को लेके इशू है, ठीक है, बीयर्ड की ग्रोथ नहीं हो रही है उसमें भी 50% चांसेस होते हैं, मतलब क्योंकि वो हार्मोनल इशू होता है, जॉइंट पेन है, गठिया बाय है, और स्किन को लेके सोराइसिस है, एक्जिमा है, फंगल इन्फेक्शन है, रिंगवॉर्म है, या बहुत से लोगों का रहता है कि हम लोग बहुत अच्छा खाते हैं बट डाइजेशन पुअर है, तो वो सारी रहती हैं। अच्छा ब्रेस्ट को कम करने के लिए यार एक्सरसाइज होती है, आप वॉल के साथ पुश करें अपनी बॉडी को, ब्रेस्ट के मतलब बहुत सारी एक्सरसाइज रहती हैं। और बस यार वेट गेन के लिए वेट लूज के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट है। यार साइनस में क्या होता है बेसिकली जितना भी हमारे नोस्ट्रिल में मतलब जितना भी हमारे कंजेशन होना शुरू हो जाता है ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है, हेडेक रहता है, हैवीनेस रह रही है, चीक्स में हैवीनेस है, नोज में हैवीनेस है, चेस्ट में कंजेशन है, रनिंग नोज है, गले में बलगम गिर रही है, उसका ट्रीटमेंट रहता है 3 months ऑलमोस्ट लगते हैं साइनस क्योर हो जाता है, ठीक है। तो यार जिनके भी हेयर लाइन डिक्लाइन होती है ना आप इस एरिया पे हेयर रिकवर नहीं कर सकते, इस एरिया पे रिकवर कर सकते हो। यार फेशियल हेयर रिमूव हार्मोनल इशू है क्योंकि पीरियड्स की वजह से वो रहता है, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे करके उस पर वर्क कर सकते हो। यार मिरेकल ऑयल पिगमेंटेशन पे वर्क करता है बट अगर ज़्यादा है तो आपको साथ में मेडिसिन भी खानी होगी जो इंटरनल वर्क करेगा। 21 एज में हाइट बढ़ने के चांसेस सिर्फ 50%, बहुत से लोगों में बढ़ती है बहुत से लोगों में नहीं बढ़ती है। आप मेरा कमेंट इग्नोर कर रहे हो, नहीं यार जो जितना मेरे को सामने दिख रहा है ना मैं वो कर रही हूँ, बाकी ऊपर मतलब जाते जा रहे हैं कमेंट्स तो मैं उसको पढ़ नहीं पा रही हूँ, ठीक है। और यार जिनको भी एसिडिटी की दिक्कत रहती है ना वो आगे जाके जो है फूड पाइप में स्वेलिंग करना शुरू कर देती है, तो आप उस पर वर्क करो रादर देन कि आप सुबह एक एंटासिड ले रहे हो और उसको स्प्रेस कर रहे हो, उस चीज़ का कोई भी बेनिफिट नहीं है। पिंपल क्योर हो जाएंगे यार, पिंपल एक्ने मतलब आप लोग देखो लाइव में हम सारे टॉपिक कवर नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या नीचे नंबर दे रखा है, जिसको भी है डिप्रेशन है, ठीक है, या नशे छुड़वाना का है, किसी भी चीज़ का है आप इस नंबर पे कर लें। यार एड्रेस K9 है, K9 उत्तम नगर, आपको इस नंबर पे मैसेज करोगे आपको एड्रेस डिटेल आ जाएगी, ठीक है। हेयर फॉल जो है बेसिकली जब हमारे स्किन में ड्राइनेस स्टार्ट होती है, मतलब स्कैल्प में ड्राइनेस है तो जड़ से निकलना शुरू हो जाता है, पपड़ी बनती है, ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं, रूट से निकले हेयर फॉल सफ़ेद हो रहे हैं, 3 to 6 months में वाइट हेयर 50 to 60% रिकवर कर जाते हैं। यार पीसीओडी में ना पेशेंट को सबसे पहले मतलब ऑलमोस्ट पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू होते हैं, देन वेट गेन होना शुरू होता है, ठीक है, और धीरे धीरे करके जो है वेट पुट ऑन हो रहा है, चिड़चिड़ापन आना, चेहरे पे बालों की ग्रोथ होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। इसके आगे किसी ने कुछ पूछा था यार, वो पता नहीं ऊपर चले गए कमेंट्स। यार पैरालिसिस, जिन भी लोगों को पैरालिसिस का रहता है जैसे कि हेमीप्लेजिया है, आधी बॉडी में है, अपर पार्ट इफेक्ट हो रहा है, लोअर है, फेस पे फेशियल पैरालिसिस है, हर चीज़ का ट्रीटमेंट रहता है। आपको पेशेंट की नेम एज पूरी डिटेल मुझे इस पे लिख के भेजनी है, ठीक है, और आपको इसके साथ साथ जो है
एसिडिटी जिनको भी रहती है, खाने के बाद एक लौंग लेके आप मुंह में रखो टंग के नीचे और उसको धीरे धीरे करके चूसो, एसिडिटी को बहुत अच्छे से क्योर करता है। फैट कम कैसे करें? यार वेट लूज के लिए मैंने पहले भी बताया है कि मेडिसिन रहती है प्लस डाइट रहती है, जो वेट को कम करेगा दोनों वे से, वेट लूज भी करेगा फैट को इंटरनली बर्न करेगा। और आप लोग यार रिव्यूज चेक कर सकते हैं, उसमें जाके मैं शेयर करती हूँ, डार्क सर्कल के लिए भी मेडिसिन है। बस कुछ भी आप लोग कर लो, वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मतलब पानी बहुत अच्छा पीना है आप लोगों को, कम से कम 3 से 4 लीटर, ठीक है, दिन में 10 से 12 लीटर पानी पियो। और हेल्दी खाना खाओ, मतलब बाहर का खाना है आप खाओ, कोई उसमें गलत नहीं है यार, सबकी रोजी रोटी चलती है, किसी की बाहर उससे चलती है, हम लोग नहीं खाएंगे तो वो लोग कैसे कमाएंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन अपनी डाइट में वेजिटेबल फ्रूट्स भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आज आप कर रहे हो ठीक है, एक दिन ले लिया, हफ्ता हफ्ता भर बाहर खा रहे हो, वो चीज़ नहीं। वंस इन अ वाइल यू कैन गो फॉर जंक फूड, स्ट्रीट फूड, जो भी आपको पसंद है। माइग्रेन जिन लोगों को रहती है, माइग्रेन पूरी तरह से क्योर हो जाती है। और एपिलेप्सी जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, मिर्गी को पूरी तरह से आप क्योर कर सकते हो, टाइम लगता है बट परमानेंट सॉल्यूशन है। बाकी यार फेस को लेके ना, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, अगर हमारा फेस अच्छा है ना तो हम लोग बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट रहते हैं, किसी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी किसी को लगता है ना फेस डल हो रहा है, तो वो मतलब डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको वर्क करेंगे। जिनको हिकअप्स होते हैं ठीक है, उनको जो है यार एयर का लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है, तो मतलब उनको जो है एयर को पास करो आप अच्छे से, वाटर इनटेक करो, तो बहुत अच्छा वर्क करेगा। मतलब खाली पेट कम रहना आप लोगों को, एयर नहीं बढ़नी चाहिए, वायु, उदान वायु, प्राण वायु नहीं बढ़नी चाहिए बॉडी में। यार बेंडिंग नेल्स, बेंडिंग नेल का भी ना कॉज बहुत अलग होता है, किसी में कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, कुछ इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो आप अपने पिक शेयर करना, उसके साथ मैं आपको बताऊंगी, किसी को रूमेटाइड अर्थराइटिस में ये चीज़ों के नेल्स पे इफेक्ट आता है। यार वाइट हेयर के लिए हमारा ट्रीटमेंट 3 to 6 मंथ का होता है, 50 to 60% हेयर को रिकवर कर देता है, न्यू हेयर की वाइट ग्रोथ नहीं होती है ठीक है। यार टीबी का इलाज रहता है, बट आपको डॉट से लेना पड़ेगा, उसके साथ उसका कोई इफेक्ट ना हो, आप आयुर्वेदा में कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके लंग्स को रिकवर कर देते हैं, तो आप मतलब कॉन्टेक्ट कर सकते हो सेम इस नंबर पे। बाकी यार आपके आसपास कोई भी लोग हैं जो नशा करते हैं, आपको लगता है आप उनका नशा छुड़वा सकते हो, उन्हें आप ये नंबर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल हमारी ये प्रोवाइड करते हैं। मेडिसिन के चार्जेस रहते हैं यार, उतना तो आप किसी हॉस्पिटल या कहीं भी जाते हो वहाँ भी आपको पे करना होता है। यार मैजिकल ऑयल भी बहुत इफेक्टिव है, बॉडी के कलर को मतलब डलनेस को ख़त्म करके एक नेचुरल ग्लो टोन अप करता है बॉडी को। यार मैं तब से पिंपल्स के लिए तो मैंने बहुत कुछ बता दिया है, अब आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन रहता है ना यार, वो धीरे धीरे करके पाइल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आप 2 अंजीर रात को पानी में भिगोकर लो, या कैस्टर ऑयल 2 चम्मच गर्म दूध के साथ ठीक है, तो वो उस पर बहुत अच्छा वर्क करेगा। बाकी यार अब आप लोगों से मिलूंगी फिर से नए टॉपिक के साथ। बाकी आप लोगों को किसी को कुछ भी हेल्थ इश्यू है ठीक है, तो इस चीज़ को आप जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेरे असिस्टेंट आपको पूरी तरह से अटेंड करेंगे, प्रॉपरली समझाएंगे चीज़ों को। क्योंकि आप लोग देखो यार, आप कहीं जाके भी कंसल्ट करते हो ना डॉक्टर से, आप कंसल्टेशन फ़ी पे करते हो, देन मेडिसिन के चार्जेस करते हो, सेम चीज़ है, आपको घर बैठे वो सर्विस प्रोवाइड हो रही है हमारी तरफ से। क्योंकि मुझे आयुर्वेदा को उस लेवल पे लेके जाना है कि आयुर्वेद से आप हर चीज़ क्योर कर सकते हो, तो सिर्फ आप लोग जब हमें सपोर्ट करोगे तभी हम उन चीज़ों को बढ़ाएंगे ठीक है। तो आप लोग बस इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, अपना प्यार बना के रखिए, हमारे व्लॉग्स देखिए, Arunendra7vlogs चैनल पे जाके आप लोग, और धीरे धीरे करके अपनी बीमारियों को घर बैठे पूरी तरह से ख़त्म करिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।